Wow! Beautiful! अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 3 बजे। तो गाइस आज तारीख है 24 और 13वां रोज़ा है। तो गाइस आज कुछ बच्चे लोग ने मस्जिद ज़ैनब में खाने का इंतज़ाम और इफ्तार पार्टी वगैरह रखी गई है। तो गाइस चलो चलते हैं कुक को लाने के लिए। तो ये रहा साकिब भाई आया इधर और अभी हम जा रहे हैं कुक को लाने के लिए। तो चलो चलते हैं। मासूम नगर के मस्जिद में पहुंच ही गए थे और अभी ले चुके हैं कुक को और अभी चलते हैं मस्जिद ज़ैनब में। तो मिलते हैं आपसे मस्जिद ज़ैनब में। तो सो गाइस पहुंच चुके हैं ज़ैनब कॉम्प्लेक्स में और ये बिल्डिंग मुझे बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त लगती है क्योंकि ये बिल्डिंग में मस्जिद है। तो दिखाते हैं आपको ज़ैनब है मस्जिद। तो चलो चलते हैं। तो गाइस ये रहे चूल्हे जो कि इधर अभी बनने वाला है दाल गोश्त, और ये रहे सारे हजरात जो कि मदद करने आए हैं। तो बिल्डिंग के अंदर ये भी झूले वगैरह लगे हुए हैं सीसो। तो ये देखो ये रही मदरसा मस्जिद। अरे कहना क्या चाहते हो। तो गाइस ये देखो अभी इधर शुरू ही है काम और ये रही हमारी मस्जिद है ज़ैनब। कितनी प्यारी और खूबसूरत है ये चेक करो। ये देखो एसी भी लगी हुई है और ऊपर सीलिंग भी लगी हुई है। बहुत ही छोटी और बहुत ही माशाल्लाह मस्जिद है दिखने में। और तो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। नमाज भी बाकी है, अभी नमाज वगैरह भी पढ़नी है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस अभी नमाज वगैरह आधा हो ही गई थी असर की और अभी ये चेक करो कुछ अभी लकड़ियाँ वगैरह लगा रहे हैं। और ये रहा सफ़ोन और इधर अभी बर्तन वगैरह को मट्टी वगैरह लगाने का काम स्टार्ट ही है। ये लग गए चूल्हे और इधर कांदा वगैरह भी कट रहा है। और ये देखो जुबैद भाई हमारे, और ये रहे भटियारी जो दाल गोश्त बनाने वाले। ये रही दाल, ये रहा कांदा। और अभी देखो ये चेक करो मट्टी वगैरह लग रही है। और साकिब भाई इधर डेक धो रहे हैं जिसमें दाल गोश्त वगैरह बनाने का काम होने वाला है। सो गाइस देखो मट्टी वगैरह लगाकर हो ही गई थी। अभी ये देख करो इधर अभी चूल्हे के ऊपर खाना रखे ही है। तो ये रहे हमारे कुक साहब और ये रहा रहता रेहान। और अभी अंदर कुछ इफ्तारी की तैयारी शुरू हुई है। तो चलो चलते हैं दिखाते हैं आपको इफ्तारी की तैयारी। तो गाइस ये चेक करो अभी इधर कलिंगड़ वगैरह कट ही रहा है, शरबत बन रही है। तो ये देखो रूह अफ़ज़ा की शरबत बनी रही है। सो गाइस शरबत वगैरह बनी गई थी और अभी इफ्तारी का टाइम भी हो रहा है। तो ये देखो इफ्तारी वगैरह लग चुकी है। तो ये रही कुछ बच्चे और ये रही इफ्तारी लग चुकी है और अभी टाइम भी हो रहा है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में इफ्तारी के बाद और नमाज के बाद। तो गाइस इफ्तारी वगैरह हो चुकी थी तो ये चेक करो। तो गाइस नमाज वगैरह हो ही गई थी अभी और ये साफ़ सफाई भी हो गई है और बाकी बच्चे इधर खेल रहे हैं। तो ये देखो गाइस हाय। तो ये रहे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। ये रहे कुछ छोटे बच्चे और छोटे बच्चे लोग के साथ में ये देखो बड़ा बच्चा। तो चलते हैं खाने की तरफ। ये देखो इधर बन ही चुका है थोड़ा बहुत। और ये रहा दाल और कुछ गोश्त चढ़ा हुआ है अभी। और ये रहा बशीर भाई और इधर अभी चावल चढ़ने ही वाला है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस फाइनली खाना वगैरह बन ही चुका था। तो ये देखो और अभी चलते हैं, नमाज का भी टाइम हो रहा है। तो नमाज वगैरह अदा करते हैं फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस तरावी की नमाज अदा हो ही गई थी और अभी कुछ खाने का इंतज़ाम किया होता तो अभी ये मौलाना के लिए इधर अंदर इंतज़ाम किया गया है और बाहर कुछ इस तरह का इंतज़ाम किया हुआ है बाकी पब्लिकों के लिए। तो ये देखो ये दूसरी जमात बैठी हुई है और चलते हैं जिधर से खाना वगैरह परोस रहे हैं। ये देखो अरबाज बच्ची और शहबाज भाई, फैजान भाई। वालेकुम अस्सलाम। बर्तन धोने के अभी खाने के बाद में जल्दी धो गया हूं। ठीक है, यूज एंड थ्रो प्लेट है। अरे ये ना इसके बाद हां धोएंगे पहले आप उसके अंदर जमा तो करो। तो ये धोने वाला बचेला इधर।
तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। वालेकुम अस्सलाम। सो गाइस, तीन जमात बैठी है, वो तो हो ही गया था, और अभी बच रही है चौथी जमात। तो गाइस ये चेक करो, तो ये देखो, ये बंदा अभी इधर ही बैठा था खाने के लिए और अभी जा रहा है खाने के लिए। तो अभी हमारी भी प्लेट लेते हैं और चलते हैं खाने के लिए। तो इसके अंदर तो बोटी ज़्यादा नहीं लगी है, और ये देखो, चलो चलते हैं। और ये ठंडा भी आया हुआ है इधर, और हमने भी प्लेट ले चुके हैं अभी और जा रहे हैं खाने के लिए, और बैठते हैं और मिलते हैं आपसे खाने के बाद। सो गाइस, खाकर तो हो ही गया था, और अभी ये चेक करो, साफ़ सफाई वगैरह बची है। इधर प्लेट वगैरह धो रहा है रेहान भाई, और इधर साकिब भाई भी डेग वगैरह धो रहे हैं। तो चलो चलते हैं, और दो तीन बच्चे कुछ खाना खाने के बचे हुए हैं। तो ये देखो, और इधर साकिब भाई धो रहा है। ये मोइन का काम था, मोइन ब्लॉग बना रहा है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। One day later. सो गाइस, कल रात में 12 या 12:15 बजे घर पे आएगा था, बहुत ही ज़्यादा थक चुका था, इसलिए वीडियो को एंड कर नहीं पाया। तो गाइस अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को यह वाला व्लॉग पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, खुदा हाफिज़, मिलते हैं वापस।